आज हम लोग चर्चा करेंगे उपसा सनिधि बंध पर, उपसा सनिधि यौगिक के समन्वय संख्या पर, समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर पर चर्चा करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या वह संख्या होता है जो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, जो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने उपसा संयोजक बंध बने होते हैं उसी की संख्या को कहा जाता है। उपसा संयोजी बंध की संख्या जो होती है वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। तो जैसे फोर एफिशिएंसी है, इसमें ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कितना है कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, तो इसमें जो Fe होता है कितना, एक दो तीन चार पाँच छठ उपसा संयोजक बंध बना। तो जितना किसी भी उपसा संयोजक बंध में केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड जो है कितने उपसा संयोजी बंधों का निर्माण करता है, उन बंधों की जो संख्या होती है उसी को समन्वय संख्या या उपसा संयोजन संख्या कहते हैं। मतलब अगर मोनोडेंटेड है या एक दंती लीगेंड होगा तो एक दंती लीगेंड वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो समन्वय संख्या होगी वह समन्वय संख्या उसके लीगेंड की संख्या के बराबर होगा, क्योंकि मोनोडेंटेड लीगेंड जो है एक उपसा संयोजक बंध बनाता है और डाइडेंटेड होगा या बाइडेंटेड होगा तो दो ठो बनाएगा। तो इसमें मतलब उपसा संयोजन संख्या या समन्वय संख्या किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की वह संख्या होती है जो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के द्वारा बनाए गए उपसा संयोजक बंधों की संख्या को प्रकट करता है। इसमें मोनोडेंटेड में लिगेंड की संख्या के बराबर होता है, लेकिन डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड या टेट्राडेंटेड होता है तो उसमें लिगेंडों की संख्या जो होता है और बंधों की संख्या या उपसा संयोजी बंधों की संख्या में अंतर होता है। जैसे इसमें और इसमें देखो चार और छह का समन्वय संख्या चार व छह के यौगिक सबसे अधिक मिलते हैं, सबसे अधिक यौगिक जो होगा चार समन्वय संख्या और छह का अधिक मिलेगा, उसके बाद तो कम मिलता है, अपेक्षाकृत जो होता है वो कम हो जाता है। जैसे इसमें समन्वय संख्या एक दो तीन का जो यौगिक होता है वो भी समझ, जैसे ये है इसमें एक है, इसमें समन्वय संख्या दो हो जाएगा, इसमें समन्वय संख्या जो होगा तीन होगा। मतलब OH जो है मोनोडेंटेड है, CN मोनोडेंटेड है, ये भी आई भी, ये भी मोनोडेंटेड होगा। जब ये मोनोडेंटेड है तो उनकी जो संख्या होती है बंधों की उनके लिगेंड की संख्या के ठीक बराबर होता है, ये आई है, आई भी आपका मोनोडेंटेड है। और जैसे समन्वय संख्या तीन चार पाँच छः का देखोगे तो तीन में क्या है, जैसे एन आई एन एच फोर फोर्थ है, तो इसमें कुल समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर इसका चार होगा और इसमें ये मोनोडेंटेड है तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका चार होगा और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो आपका पाँच होता है और यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका पाँच मिलता है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन या समन्वय संख्या छः होगा, यहाँ पर भी समन्वय संख्या इसका EN नहीं E कोऑर्डिनेशन नंबर है, या CN का मतलब जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर को व्यक्त किया गया है या इसी को समन्वय संख्या कहोगे। तो समन्वय संख्या यही है, समन्वय संख्या मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उपसा संयोजी बंधु या उपसा संयोजक बंधु की संख्या को व्यक्त करता है। उपसा संयोजक बंध जो होगा सामान्यतः कॉम्प्लेक्स आयन में मिलेंगे और कॉम्प्लेक्स आयन में
सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच पाया जाता है। इसमें लिगेंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है और जो सेंट्रल मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन रिसीवर या इलेक्ट्रॉन ग्राही का कार्य करता है। तो ये था आपका समन्वय संख्या, या समन्वय संख्या को उपसह संयोजक संख्या कहोगे तो समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या जो होता है किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बंधों या उपसह संयोजी बंधों की संख्या को प्रदर्शित करता है। जितना बंध होगा वह संख्या उसकी उपसह संयोजक या समन्वय संख्या कहा जाएगा।